Hey guys, boys, boy and bakri, welcome back to another video. So guys, आज के इस वीडियो पे आप लोगों के सामने आपके यहाँ पे मास्टर शेफ और होस्ट ऑल्सो. तो गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं टन टन. और दिखाई नहीं दे रहा, किधर से दिखाई देते, इधर. ओ माय गॉड, ये है गाइस. तो फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, एज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट वीडियो जिसमें आप सबको बताया गया कि मेरे साथ क्या हो रहा था और जिससे मैं कंटेंट क्यों क्रिएट नहीं कर पा रहा था. और लॉकडाउन भी चल रहा है जिसके कारण अपन बाहर नहीं जा पा रहे हैं. तो फिलहाल ये कंटेंट मेरे को मिला कि मैं आज मैं बना के खिलाऊंगा सबको और सबसे ऑनेस्ट रिव्यू लूंगा आप लोगों के सामने, पेश करूंगा वो रिव्यू को. तो बने रहे ब्लॉग पे और अपन सीधा से इसे फटाफट पीस करके इसको बॉईल करते हैं, क्योंकि सबसे पहला नियम है इसको पकाने का, आप इसे बॉईल कर लिए वरना क्या था, एक स्वाइन फ्लू कुछ था ना, फ्लू जो आता था, तो वो सब भी शायद मे बी ठीक है. तो इसीलिए सो लेट्स डू इट. So, पीस करके हमने इसे बॉयल करने बिठा दिया है. और बाय द वे ये है अपना किचन, इतना बड़ा तो नहीं है. जिन जिन को पहले पता था कि मैं नहीं खाता था, तो सबके लिए एक इन्फो कि आजकल मैं खाने लग गया हूँ फिर से. क्या करूँ गाइस, रहा नहीं जाता तो इसलिए बस फिर और क्या, शुरू कर दिया अपन ने. तो अभी बच गए हैं 6 और हम लोग ऐसे यूजुअली खाते हैं 9 से 9:30 के आसपास, तो बहुत टाइम है अपने पास बनाने को. और 6 बज गया तो अपना वर्कआउट टाइम, जो कि अभी मैंने फिलहाल लॉकडाउन पे ये बनाया है, ठीक है. अभी वर्कआउट करने का टाइम है, सो चलते हैं वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आके फ्रेश होके उसके बाद अपन बनाने में लग जाएंगे. तो चलिए गाइस वर्कआउट करते हैं. वर्कआउट इज डन. और मतलब मैंने ये रिसेंटली ये वाला स्केड्यूल फॉलो करना शुरू किया है. क्या हो गया कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है या जो भाग दौड़ करते हैं, वो अगर एक हफ्ता के लिए भी रुक जाएंगे ना, रह जाएंगे ना, तो उनका देखना पेट बहुत जल्दी निकल के आता है. तो अपना भी थोड़ा वही कंडीशन हो गया है, सो इसलिए मैंने फिर से वर्कआउट शुरू किया है. ओब्वियसली ज़्यादातर कार्डियो करता हूँ, स्ट्रेंथनिंग मेरे को ज़्यादा इतना पसंद नहीं है जितना कार्डियो है. तो फिर भी जितना हो सके स्ट्रेंथनिंग भी शुरू कर रहा हूँ और कार्डियो तो ओब्वियसली करता ही हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि शुरुआत ही करना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है फिलहाल के लिए, क्योंकि काफी बहुत दिनों बाद गैप हो गया, इसलिए बहुत दिन गैप हो गया, दैट्स व्हाई शुरुआत ही करना मेरे लिए बहुत बड़ा बात है. तो 2-3 दिन हुए हैं अभी शुरू किया वाला, सो इसलिए 3 दिन है प्लीज, तो 3 दिन हुआ है तो शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे सब बढ़ते जाएगा. तो फिलहाल के लिए ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आपको मैं फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ. ये गाइस तो ये बॉइल होकर रेडी है अपना. एक मैं बनाऊंगा इस पे, एक मैं बनाऊंगा इस पे, ओके. मैं 2 तरह का बना रहा हूँ, मेरा कैसा बना है ये दिखाने का और ऑनेस्ट रिव्यू लेने का, ऑब्वियसली जो जो खाएंगे इसको, जो कि घर वाले हैं मेरे. ओके सो शुरू करते हैं. और वर्कआउट मैंने जो शुरू किया गाइस, मैंने फिलहाल के लिए शुरू ही किया, इसलिए मैंने प्रॉपर एक डाइट प्लान नहीं बनाया, पर धीरे धीरे सब कुछ होएगा. पर अभी जितना चल रहा है, एटलीस्ट चल रहा है, शुरू हुआ है, वही उसमें मैं बहुत बड़ा खुश हूँ और अपने को शाबाशी देता हूँ. तो अपन इसे लगा लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, ये शेफ लोग लगाते हैं. तो इसे लगाने के बाद शायद अपना भी अंदर का गाइस, अंदर का मास्टर शेफ शायद जग जाए और मैं काफी अच्छा बना दू. काफी समय बाद बना रहा हूँ, तो इसलिए वो रहता ना हाथ पे, क्या कहते हैं उसे, एक लचक, एक जादू हाथ का, वो शायद चल जाए आज भी. 5 minutes later. ओके गाइस, सो अपना एक तरह का सब्जी जो पकाना था मेरे को, वो मैंने बिठा दिया है और ऑलमोस्ट आधा हो गया है. तो अब मेरे को दूसरे पे चलना है, इस पे बनाऊंगा जो कि मैं, ओके. और वो मैं थोड़ा बॉयल बनाऊंगा, बॉयल मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि पानी रहेगा, ओके, वो बॉयल अलग तरह का रहेगा. और अपने पास दाल है ऑलरेडी, दाल बनाया है, सो हम लोग को ज़्यादा क्या था झोल भी नहीं चाहिए. तो अब जो अपन बनाएंगे दूसरा, वो भी बॉइल, एक्जैक्टली बॉइल आप नहीं उसे बोल सकते, बस उसे बॉइल की तरह पकता हो, बॉइल नहीं बोलेंगे उसे, ठीक है.
तो दाल पक्की रेडी है गाइस, तो इसीलिए मेरे को अभी इसे भाजी बनाना, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई ये काफी टेस्टी लग रहा है ना गाइस। और यहाँ पे अपना मैंने बॉयल के लिए चढ़ा दिया है, इतना मैं बॉयल में बनाऊंगा और वो अलग तरह का बॉयल रहेगा। क्या गाइस, हम लोग ज्यादा मसाला वसला नहीं खाते, तो इसलिए ये कितना ही बना है ठीक है। हम लोग घर पे ज्यादा मसाला वसला नहीं चलता है, अपन सिंपल पेस्ट गार्लिक पेस्ट ले रहे हैं, गार्लिक जिंजर पेस्ट, उसके बाद थोड़ा जीरा पाउडर थोड़ा सा, और आपका अगर चाहे तो धनिया पाउडर लगाएंगे, और कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा जस्ट सिर्फ फ्लेवर के लिए, ओके कलर के लिए, और ओबियसली हल्दी और नमक तो रहना ही है, बस इतना ही और कुछ नहीं गाइस। इसी में धीमी आंच में पकाकर अपन अपना वो फ्लेवर लाते हैं, फ्लेवर समझ रहे हो ना गाइस, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो भाई तो आपने एमवे का मचाएंगे थ्री सुना कि नहीं सुना, ठीक है, पर ऑब्वियसली जो पहला माल होता है उसकी तरह दूसरा नहीं बन सकता, उसी तरह मचाएंगे सबसे बेस्ट था, फिर से मचाएंगे भी ठीक ठाक ही था, मचाएंगे थ्री भी के गाइस। सो ये वाला अपना वाला हो गया है, तो ये अभी उबल रहा है गाइस। सो अपना ये वाला जो बन गया है और ये वाला ऑलमोस्ट हो गया है, तो जैसा कि ऑब्वियसली हर कुक बनाने के बाद थोड़ा चखता है, तो मैंने भी चखा है, तो पता नहीं वो डांस करते वक्त था ना क्या करते वक्त था, थोड़ा सा पेस्ट जो था ना पेस्ट थोड़ा जल गया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लास्ट में वो टेस्ट आ रहा है जलने का, पर 70% अच्छा बना है मेरे लिए, पर सबका रिव्यू तो आपको लास्ट में मिलेगा। कैसा हो गया? ओ बारी इसकी है, तो ये था पिताजी का तरफ से रिव्यू। जैसा कि मैंने बताया 92% मैंने इसीलिए दिया है कि थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, मैं कल लग ही रहा था नॉर्मल जैसा लगा, दो बार ले चुका है दो बार ले चुका, अच्छा नहीं लगा लगे, कैसा टेस्ट था अभी? बॉयल जैसा, बॉयल जैसा ठीक है सर, नमक ओके। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने सुना कि क्या कैसा क्या था, कैसा था रिव्यू, मैंने जैसा कि बताया कि एक 70% और एक 92%, बस नमक को वही था ना, कोई नहीं यार हो जाता है, पर मैंने चखा था फिर भी नमक पता नहीं किसे ज़्यादा हो गया, चलो कोई नहीं वो चला गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरे माँ और भैया से मैंने रिव्यू क्यों नहीं लिया, माँ से इसलिए नहीं लिया क्योंकि माँ नहीं खाती है, इसीलिए माँ से नहीं लिया, और भैया फिलहाल के लिए क्वारंटाइन में है, तो उनसे तो ऑब्वियसली नहीं पूछ सका मैं, तो वही था गाइस ये वीडियो, तो यही था गाइस ये वीडियो जिसके लिए मैंने इसको बनाया था। और खाना खाने का तो मैं यूजुअली ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, ज़्यादातर सो जाता हूँ हमेशा, पर आज ये वीडियो एडिट होगा उसके बाद सोऊंगा, तो गाइस और क्या कहूँ, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड